पूजा पूजा पूजा, मैं चलता हूँ पूजा। हाँ हाँ, मगर जाने से पहले दही और शक्कर तो खाते जाओ। नए काम पर जाने से पहले दही और शक्कर खाना शुभ होता है। ऐसी बात है तो जरूर खिलाओ। बस पूजा पूजा, आज जिस काम के लिए बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया है और जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आज हमारी मीटिंग है, अगर मेरा तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को पसंद आ गया तो समझ लो हमारी किस्मत खुल जाएगी। और उसके बाद तुम इस छोटे से घर को छोड़कर एक बड़े घर में चली जाओगी। मैं तो दिन रात भगवान से तुम्हारी तरक्की के लिए ही प्रार्थना करती हूँ। हाँ पूजा, तुम्हारी प्रार्थना और मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मुझे भी पूरा विश्वास है भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बस पूजा, मेरे सामने एक ही रुकावट है और उसका नाम है देवेंद्र कुमार। जानती हो क्यों? उसके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, वो बॉस का रिश्तेदार है। धीरज देखो, सिलेक्शन अगर काबिलियत की बुनियाद पर होगा तो मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी काबिलियत पर। चलिए, होम डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट तो मिला, धन्य हो गया मैं। चलूं? हाँ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब देर नहीं हो रही है। ओह, चलता हूँ। बाय बाय बाय। May I come in, sir? Come in. सर, क्या मैं लेट हो गया? नहीं धीरज, तुम तो वक्त पर आ गए हो। अलबत्ता डी के समय से कुछ पहले आ गया। बैठो। थैंक यू। देखो, तुम धीरज कुमार हो या तुम देवेंद्र कुमार, दोनों के नाम के अक्षर की शुरुआत डी से होती है, एंड डी स्टैंड फॉर डायनामिक। खैर, तुम दोनों जानते हो कि जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैंने तुम दोनों को यहां बुलाया है, अगर उसमें हम कामयाब हो गए तो हमारी कंसर्न नेशनल से मल्टीनेशनल हो जाएगी, और शायद आगे चलकर यह भी हो सकता है कि अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी हमें ज्वाइन करे। अब देखना यह है कि यह कमाल तुम दोनों में से कौन हासिल करके दिखाता है, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होगा वही इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा।
ओके ये लो, इन फाइल्स में सारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। धीरज, कंप्यूटर सेक्शन में काम करने के लिए तुम्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। मी टू सर। देखो, ये प्रोजेक्ट तुम दोनों का इम्तिहान है, एक प्रमोशन, एक बंगला, एक कार। देखना यह है कि चीजें दोनों में से किसका इंतजार कर रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। यू कैन गो। देवेंद्र जरा रुकना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज बाबू। थैंक यू श्याम बाबू। 60 लोगों में से बॉस ने तुम्हारा चुनाव किया है, मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। आइए आइए धीरज बाबू, अब ये रूम आपके लिए है। यहां काम करने के लिए दिन और रात की कोई कैद नहीं, और बॉस ने यह भी कहा है कि आपकी जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाए। मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा। अब मैं चलता हूं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू श्याम बाबू। वेलकम। थाट है डीके, लेकिन ये सारा थाट वाट यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इस बार तुम्हारा मुकाबला देवेंद्र से है। देवेंद्र कुमार उर्फ डीके, अगर ये मुकाबला पूरी ईमानदारी के साथ हुआ तो ये मुकाबला तुम्हारे लिए लोहे के चने साबित होंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने धीरज है। धीरज, इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट से ज्यादा मार्केटिंग और अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। दीवानों जैसी बातें कर रहे हो तुम डीके। देखो डीके, हर इंसान ख्वाब देखता है, और उसे पूरा हक है ख्वाब देखने का, लेकिन हर इंसान के ख्वाब पूरे नहीं होते। मैं तुम्हें यहां डिस्करेज करने नहीं आया हूं डीके, मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम जितनी मेहनत इस प्रोजेक्ट पर कर रहे हो वो सारी की सारी जाया जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे और सिर्फ मुझे मिलेगा 100%। देखो डीके, मैं इंटेलिजेंट तो हूं ही, और साथ साथ केसी साहब का रिश्तेदार भी हूं, और ये सब जानते हैं कि शाम की चाय केसी साहब सिर्फ मेरे साथ पीते हैं, पर आगे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगे रहो डीके। Oh.
तो क्या तुम हर रोज इतनी देर से आओगे? क्या करूं पूजा, अगर जिंदगी को सही मायने में जिंदगी बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ नीरज, आज नहीं तो कल तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पूजा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी मेहनत और अपने आप पर। कभी कभी ये देवेंद्र का खतरा चोर की तरह मेरे दिल में घुस जाता है। ये रिश्तेदारों और चमचों की परंपरा हमारे देश को घुन की तरह खा जाएगी। अगर रिश्तेदार गधा भी हो ना तो मुकुट उसके सर पर पहना दिया जाता है। लेकिन मेहरा साहब तो ऐसे नहीं। अगर उनके मन में रिश्तेदारी का ख्याल होता तो फिर सिंतिहन की क्या जरूरत थी? ये प्रोजेक्ट को देवेंद्र को दे देते, उनसे पूछने वाला कौन था? लाख रुपए की बात कही है तुमने। मेहरा साहब एक इंसाफ पसंद आदमी है। उन्होंने हम दोनों को बराबर का मौका दिया है। मैं उस देवेंद्र के बच्चे को बराबर की टक्कर दूंगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरा दिल कहता है आई विल बी द विनर। आई होप सो। आप तुम ये ऑफिस की बातें भूल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा? अभी लेके आती हूँ। चेक मेहरा साहब, मैं जीता और आप हारे। देवेंद्र, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस और काबिलियत में गहरा तालमेल होना चाहिए। ये लो डीके, में बच गया। प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? सर, मेरी ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने सारा प्लान कर लिया है। और फिर आप तो जानते हैं कि मैं कितना फास्ट हूं। चेक मेहरा साहब। देवेंद्र, तुमने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश को अपनी चाल पर नाज था कि उसकी रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए वो सो गया। और कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलकर मंजिल पर पहुंचकर बाजी मार ले गया। इसीलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चेक। जी हां सर, मैंने वो कहानी सुनी है, लेकिन इस खेल के जज आप हैं। फैसला तो आप ही के हाथ में है। देवेंद्र, ध्यान रहे, मुझे हीरे की तलाश है। एक ऐसा हीरा जो बाजार में मेरी साख चमका दे। जौहरी अपनी हर चीज को कसौटी पर परखता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना। ध्यान रहे, जौहरी अपने शोकेस में हीरे की जगह कांच के टुकड़े को नहीं सजाता। चेक एंड मैट। जी हां, समझता हूं, मैं समझता हूं। देवेंद्र, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। धीरज इस वक्त भी ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। ओके, गुड नाइट। ये तो बेजान मोहरों का खेल है मेहरा साहब।
किसे पुकार रहे हैं? जो लड़की अभी लिफ्ट में गई वो मेरे कमरे से बाहर भागी। लड़की? अरे व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था उसने। अरे क्या बात करते हैं साहब, मैंने तो यहां किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। देखिए कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं पूजा, सच कह रहा हूं, वहां उस कमरे में कोई लड़की छिपी हुई थी। वो मुझे खौफ ज्यादा करना चाहती थी। उसने वहां पर रखे हुए कंप्यूटर के साथ भी छेड़छाड़ की। मेरी नजर जैसे उस पर पड़ी वो भागी और अचानक न जाने कहां गायब हो गई। और हैरत की बात तो यह है पूजा कि वहां का सिक्योरिटी वाला कहता है कि उसने किसी भी लड़की को वहां पर आते जाते नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है धीरज? हो सकता है पूजा, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि देवेंद्र के साथ वो सिक्योरिटी वाला मिला हुआ हो। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले ये जानते हैं कि देवेंद्र मेहरा साहब का रिश्तेदार है। धीरज, तुमने हवा के रुख के खिलाफ अपनी कश्ती रखी है, अब तुम क्या करोगे? पतवार मजबूत हो और हवा का रुख समझ में आ जाए तो कश्ती को चलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस लड़ाई में ये यकीन हो गया है कि मेरा दुश्मन मुझे कमजोर नहीं समझता, वरना उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसके बावजूद भी तुम ये सब कर पाओगे? पूजा, जैसे जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश करता जाएगा मेरा इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। हेलो डीके। कोमल, आपने मुझे बुलाया डीके साहब? हाँ कोमल। कोमल, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो नतीजा बहुत जल्द हमारे फेवर में होगा। नतीजे का तो इंतजार मैं भी कर रही हूँ डीके साहब, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेहरा साहब से मेरी प्रमोशन की सिफारिश कर दीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है कोमल, समझो कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। और आज तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में हम दोनों एक साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। ऑलराइट? थैंक यू वेरी मच डीके साहब। थैंक यू, सी यू कोमल।
आपको मैंने दौड़ते हुए आते देखा तो मैं भी आ गया। क्या बात है साहब? वो लड़की फिर आई थी, उसी का पीछा करते हुए मैं यहां तक आ गया। साहब, कल भी आपने एक लड़की का जिक्र किया था और आज भी, ये तो हमारी ड्यूटी पर एक धब्बा है साहब। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप झूठ नहीं बोल रहे सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम करते करते थक गए हो और उसी झपकी में आपने ऐसा महसूस किया हो? देखो मानसिंह, तुम साइकेट्रिस्ट बनने की कोशिश मत करो, अपने अंदाज अपने पास रखो। I'm sorry सर। देखो, ये किसी की शरारत लगती है। अगर तुम आंखें खुली रखोगे तो जो भी ये शरारत कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो आज से मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है। कौन कमबख्त परेशान करने आ गया इस वक्त? हाँ आ रहा हूं, एक मिनट। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बात है? बात गई भाड़ में। अगर मुकाबला करना चाहते हो तो कायदे से करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मगर तुम तो बहुत ही ओछी हरकतों पर उतर आए हो। देखो मिस्टर धीरज, एक तो तुमने इतने रात गए यहां आकर मेरी नींद खराब की, और दूसरी ये कि तुम मेरे घर में आकर मेरी छत के नीचे मुझे जलील कर रहे हो। मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? ये बात अपने जमीर से पूछो। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। और इसके बाद भी अगर कोई तुमने और हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत मेहरा साहब से कर दूंगा। किस बात की शिकायत करोगे तुम? किस बात के लिए शिकायत करूंगा? तुमने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की, मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजकर मुझे परेशान किया। अब मैं समझा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे काम नहीं हो रहा है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम यहां से भागने का झूठा बहाना ढूंढ रहे हो? मैं भागने का बहाना नहीं ढूंढ रहा हूं, बल्कि तुम मुझे मैदान से भगाने की कोशिश कर रहे हो। मगर यह मत भूलो कि मेरा नाम धीरज है। इसके बाद भी अगर कोई तुमने हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरा साहब के रिश्तेदार हो। हाँ
रात रात भर जाग कर पागल हो गया है। धीरज, और ये कैसे मुमकिन है? मैं सच कह रहा हूं पूजा, मैंने उसका पीछा किया, मैंने साफ तौर पर देखा कि वो टेरेस की बाउंड्री वॉल से नीचे गिर गई। और हैरत की बात तो ये है कि जब मैंने नीचे झुककर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, वो लड़की गायब हो चुकी थी। धीरज, अगर वो नीचे गिरती तो नीचे लोग देखते। देखते कैसे? वो गायब हो गई। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? तो तुम क्या समझती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं धीरज, तुम झूठ नहीं बोल सकते। जो तुमने देखा वो हकीकत नहीं बल्कि वो तुम्हारा वहम है, और वो लड़की तुम्हारे वहम की देन है। नहीं पूजा, ये मेरा वहम नहीं, हकीकत है, और मैं इसे साबित कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा।
करुणा? हाँ मैं करुणा। ये हकीकत है या मेरा वहम? ये हकीकत है धीरज, ये तुम्हारा वहम नहीं है। अगर ये हकीकत है करुणा, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने पहले तुमने खुदकुशी नहीं की थी, वो धोखा था, नाटक किया था तुमने मरने का। नहीं धीरज, मैंने कोई नाटक नहीं किया, तुम तो मेरी अर्थी पर भी आए थे। हाँ ये जरूर सच है कि मैंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरा कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ कत्ल। किसने किया था तुम्हारा कत्ल? मेरा कातिल इसी ऑफिस में मौजूद है, जिसने मुझे इसी छत से नीचे गिराया था। कौन है वो, क्या नाम है उसका? मेरा कातिल देवेंद्र है। देवेंद्र? हाँ वही डीके। मगर उसने तुम्हारा कत्ल क्यों किया? धीरज तुम नहीं जानते वो कितना गिरा हुआ इंसान है। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं मेहरा साहब की सेक्रेटरी हूँ, और इस नाते मैं मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स जानती हूँ। उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, उसने मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स भी जानने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि देवेंद्र कितना खतरनाक सांप है। कौन? ये तुम? तुम यहां और ये फाइल? लेकिन तुम तो मेरा साहब के साथ कोलकाता गई थी। हाँ गई थी, लेकिन वापस आ गई और वो कल आएंगे। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? करुणा तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, जानती हो ना? बंद करो ये बकवास, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है डीके। करुणा तुम मेहरा साहब के साथ वफादारी करके सिर्फ उनकी सेक्रेटरी बनी रहोगी जिंदगी भर। इस शहर में मेहरा साहब के बहुत बड़े राइवल है मिस्टर पत्रा। अगर हम ये फाइल मिस्टर पत्रा को दे दे तो वो बदले में हमें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने को तैयार है। जस्ट थिंक, आधी पार्टनर तुम आधा पार्टनर मैं, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम हर वो चीज खरीद सकोगी जिसकी तुमने चाहत की है करुणा। और फिर मुझसे शादी करके मेरी दौलत की भी मालकिन तुम ही बनोगी ना? और उसके बदले में मेरा साहब की वफादारी और अपनी ईमानदारी को ठोकर मार दूं? वफादारी और ईमानदारी की बात करती हो तुम, हमेशा वही बात करती रहती हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उस अमेरिकन कंपनी से बहुत जल्द मिस्टर मेहरा को बहुत बड़ा फाइनेंस मिलने वाला है। अगर हम ये फाइल मिस्टर बत्रा को दे दें तो जो फायदा मिस्टर मेहरा को होगा वही फायदा मिस्टर बत्रा को होगा, पर फिर हम दोनों का भी तो फायदा है इसमें। तुम क्या समझते हो डीके, जो इंसान मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मेरे हवाले कर सकता है, मैं उसे धोखा दूंगी? कभी नहीं डीके। तुम एक कंपनी की पार्टनरशिप की बात करते हो, मैं ऐसी 500 कंपनियों की पार्टनरशिप को ठोकर मारती हूँ, लेकिन तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हें, अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट दी, तुम उसे धोखा दोगे? एहसान फरामोश, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करोगे तुम? ये बतला दिया तुमने उनके एहसानों का? फाइल इधर दो। करुणा, करुणा रुको, करुणा। Thank you.
जब मेहरा अंकल कोलकाता से आएंगे तो तुम सबसे पहले मेरी शिकायत करोगी, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगी। देखिए, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हें एक मौका और दूंगी, लेकिन तुम इतने कमीने आदमी हो, तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, मैं मेहरा साहब को बता दूंगी, तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी, उन्हें बता दूंगी तुम कितने नीच और कमीने इंसान हो। लेकिन मैंने ये फैसला किया है करुणा, जिसने मेरा राज जाना है उसे जीने का कोई हक नहीं। देखो देखो डीके, तुम होश में नहीं हो। डीके, देखो कार्थ, कोई नहीं है यहां, कोई नहीं है, सिर्फ मैं रहता हूं। डीके देखो, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी जान बचाने के लिए। भागो। ठीक है, ठीक है। इस तरह डीके ने मेरी जिंदगी का खात्मा कर दिया। करुणा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म देवेंद्र ने किए हैं, लेकिन उसकी ज्यादतियों का जवाब तुम मुझे दे रही हो? नहीं धीरज, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करना चाहती हूँ। इस बात से सावधान करना चाहती हो तुम मुझे? धीरज, मैं देवेंद्र के रास्ते में रुकावट बन गई थी, इसीलिए उसने मुझे मार डाला। मुझे डर है कि अब तुम भी उसके रास्ते में रुकावट बन गए हो, तो कहीं तुम्हें भी वो ना मार डाले और अब वो तुम्हारे और मेरा साथ के लिए भी खतरा बन गया है। मैं चाहती हूँ जो सच्चाई मैंने तुम्हें बताई वो दुनिया के सामने आए, लोगों को पता चले कि मैंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि देवेंद्र ने मेरा कत्ल किया है। मगर ये बात तुम साबित कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरा साथ दो धीरज, तो पापी को उसकी सजा भी मिल जाएगी और दुनिया को सच्चाई का पता भी चल जाएगा। और एक बात और धीरज, तुम जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, देवेंद्र की उस पर भी नजर है। उसने ऑफिस की एक लड़की कोमल को अपने साथ मिला लिया है, जो कंप्यूटर से तुम्हारी सारी रिपोर्ट चुरा सकती है। इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा।
करुणा मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ हो धीरज तो मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति। डीके जल्दी से इसे अपने ड्रॉअर में छुपा लो। लेकिन ये है क्या? ये अब तक के धीरज की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। कोमल, यू नो व्हाट, नाउ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तुम तो जानती हो कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। थैंक यू। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना, इस बात का पता किसी को ना चले, वरना तुम जानती हो। ठीक है, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं चलूं? यू मे। बात है करुणा? धीरज अब खेल शुरू हो गया है। वो बदहवास कोमल देवेंद्र से मिलने जा रहे हैं और उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को तुम्हें सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी रात देवेंद्र ऑफिस में क्या करने आएगा? जिस तरह मैंने अपनी झलक तुम्हें दिखाई थी, उसी तरह मैंने अपनी झलक देवेंद्र को भी दिखाई। लेकिन क्योंकि उसके मन में चोर है, इसलिए उस पर इसका उल्टा असर हो गया है और उसने कोमल को मिलने के लिए बुलाया है। धीरज,
तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं अभी कोमल से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ मेम साहब? वो यहाँ क्या हुआ? अभी 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 वो लड़की यहाँ थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चलो। ठीक है। अब क्या हुआ मेम साहब? क्या हो गया मेम साहब आपको? कुछ नहीं, बस मैं यही उतरना चाहती हूँ। ये लो पैसे। क्या है इसमें धीरज की तैयार की हुई रिपोर्ट्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोमल, कुछ नहीं है। देखो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? कौन है? अरे यहाँ, अरे सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन है यहाँ पर? ए, कौन है? कौन है यहाँ पर? रुको! ए, रुक! साहब, वो व्हाइट फ्रॉक वाली कहां गई? व्हाइट फ्रॉक वाली? हाँ, वो लड़की जो व्हाइट फ्रॉक पहने हुए, कहां गई वो?
वो तो आपके पीछे खड़ी साहब। मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं जो यहां से गई थोड़ी देर पहले। कहां गई वो? अजीब बात है साहब, दो रोज पहले धीरज साहब भी यही कह रहे थे, उन्होंने अपने यहां किसी लड़की को व्हाइट फ्रॉक में देखा है। धीरज ने भी देखा है? चलो कोमल। मे आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? बैठो। धीरज, मुझे सिक्योरिटी वालों से पता चला है कि पहले तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था जिसे सिक्योरिटी वालों ने तुम्हारे दिमाग का व्यंग समझकर टालने की कोशिश की, मगर कल रात जो हादसा देवेंद्र और कोमल के साथ हुआ उसे लेकर सिक्योरिटी वाले खासे परेशान हैं। धीरज, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वरना तुम तो जानते हो कि आज से 6 महीने पहले मेरी सेक्रेटरी करुणा ने मेरे साथ क्या किया था। उस बात को मैं आज तक भूला नहीं हूं। लेकिन सर, करुणा ने तो खुदकुशी की थी। हाँ, मगर खुदकुशी करने से पहले उसने मेरे साथ धोखा किया, फरेब किया, विश्वासघात किया। उसने तो मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। जानते हो धीरज, वो हमारे फॉरेन कंसर्न के साथ होने वाले समझौते का ब्लूप्रिंट उड़ा कर ले गई थी। इस काम में जरूर उसके साथ कोई रहा होगा और उसने करुणा को धोखा दिया, इसीलिए उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। मेहरा साहब, आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। यह सच है कि मैं जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको धोखा या फरेब नहीं दूंगा, आपकी पीठ पर पीछे से वार नहीं करूंगा। एक बात और सर, आपकी सेक्रेटरी करुणा निहायत नेक और शरीफ औरत थी, वो आपकी वफादार थी और उसने अपनी वफादारी की कीमत अपनी जान देकर अदा की। ये तुम क्या कह रहे हो धीरज जी? तुम ये कहना चाहते हो कि करुणा ने मुझे धोखा नहीं दिया? एक्सक्यूज मी सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि मैं एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश कर दूंगा। मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है। आत्मा? करना? कोमल, मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हें सावधान करने आई हूं, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा है। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो कि जिस इंसान का तुम साथ दे रही हो वही मेरा कातिल है। क्या? हाँ कोमल, और अब तुम्हारी बारी है। नीरज साहब, आप करुणा सच कह रही है। कोमल, जिसके इशारे पर तुम नाच रही हो वो एक कातिल है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जो कुछ हम कहते हैं मान लो। धीरज साहब, कोमल, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे डरो मत कोमल। ये फ्लॉपी देख लो,
तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोमल तुम हमारा साथ दो, इसमें तुम्हारी भलाई है, मेरी भलाई है और मेहरा साहब की भी भलाई है। मुझे क्या करना होगा? वो हम तुम्हें बताएंगे। कोमल अंदर आओ। क्या बात है, इतनी रात गए, सब कुछ ठीक तो है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। डीके, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? उस फाइल का पता चल गया है। कौन सी फाइल? वो फाइल जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, वो फाइल जो तुम्हें रातों रात मेहरा साहब की कंपनी का मालिक बना सकती है, और वो फाइल मेहरा साहब के रूम में उनके लॉकर में है। लेकिन उस फाइल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? आपके साथ काम करते करते, और यही नहीं, उस लॉकर की चाबियां भी मेरे पास है। कोमल, यू आर अ जीनियस। तुमने एक ही झटके में मेरा सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू। डीके, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ये काम आज ही होगा, पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी? कोमल, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सच? ठीक है, सच। मार डाला था ना, लेकिन डीके तुम एक बात भूल गए, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा? आत्मा? हाँ डीके, अब मैं आत्मा हूं और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या समझते थे डीके, तुमने जो कुछ भी किया उसकी खबर किसी को नहीं होगी? इसकी खबर तो लग गई करुणा, इसने जो कुछ किया और जो कुछ करने वाला था उसका तो पता चल गया। लेकिन इतनी देर बाद कि हम तुम जैसे ईमानदार और वफादार साथी गवा बैठे,
ये तो आस्तीन का सांप निकला जिसे मैंने दूध पिला पिला कर बड़ा किया। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, इसे लिखाया पढ़ाया, इसे काबिल बनाया, इसे वो सब कुछ दिया जिसका हकदार नहीं था। और इसने हमारे साथ क्या किया, ये हमारी जान का दुश्मन हो गया और हम समझ नहीं पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वाकई इसे हम जैसे लोग तो समझ ही नहीं पाए, और अगर इसे कोई समझ पाया है तो वह है करुणा जैसी लड़की या फिर धीरज जैसा ईमानदार इंसान। आप इसको किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, क्योंकि इस कमीने इंसान ने दौलत की खातिर मुझे आपके और धीरज के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन सर, क्योंकि मैंने भी इसका साथ दिया, इसलिए कुछ हद तक मैं भी इसकी गुनहगार हूं। नहीं कोमल, तुमने धीरज और करुणा की बात मानकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। असली दोषी यही है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ये मेरा मुजरिम है, इसे सजा भी मैं ही दूंगी, और ऐसी सजा जिसकी मौत का इल्जाम किसी के ऊपर नहीं आएगा। इसकी मौत एक खुदकुशी लगेगी। जी माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। देखिए, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक मौका दिया था, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज वही मौका मैं तुम्हें देती हूं। भागो डीके, जहां तक भाग सकते हो भागो। प्लीज प्लीज, मुआफी तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी डीके। सोच क्या रहे हो, भागो भागो डीके। तुझे नहीं मिलेगी देवेंद्र। देख देवेंद्र, आज तेरी मौत तुझे कहां ले आई है? माफ कर दो। ठीक उसी जगह जहां पर तूने मेरी जिंदगी खत्म की थी, आज तेरी बारी है। माफ कर दो। सांप अगर डसना छोड़ दे तो क्या वो सांप नहीं रहता? देवेंद्र, तू एक सांप है, और वो भी एक जहरीला सांप। नहीं।